वीडियो देखो। अगर हमें मुसलमानों को कमजोर करना है तो सबसे पहले हमें उनकी लड़कियों पे टारगेट करना होगा। मुश्किलाहट है तो क्या हुआ, बहादुर बनो यार। तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हो, तुम उसके उम्मती हो जिनको पत्थर मारेंगे। कोई भी भगवा लव ट्रैप या लव जिहाद या जो भी है, किसी भी लड़के या लड़की को फंसा नहीं सकता है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। दिस इज परम, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। अभी हम शूट कर रहे हैं, पूरा सेटअप तैयार है एंड हमारे भाई का स्टडी टेबल भी देख लो, ऑफिस टेबल सॉरी, कितना सही तरीके से वेल सेटल्ड है अभी एंड एवरीथिंग इज सॉर्टेड। सो नाउ अभी हम शूट करेंगे। शूट करने के बाद जो आपसे गुफ्तगू मुझे करनी है वो मैं आपसे करूंगा। बस आप सब भाइयों से एक ही दरखास्त है कि स्टार्ट टू एंड तक पूरा वीडियो देखना, स्किप मत करना, बिकॉज आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पे होने वाला है हमारे लिए, हमारी जितने भी मुसलमान भाई बहनों के लिए। तो प्लीज इसको मिस मत करिए, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे पहले यहाँ पे एक वीडियो देखो। अगर हमें मुसलमानों को कमजोर करना है तो सबसे पहले हमें उनकी लड़कियों पे टारगेट करना होगा। जहां हम उनकी लड़कियों पे टारगेट करेंगे अपने आप ही साले कमजोर हो जाएंगे। कुछ मत करो, हमारी मुसलमानों से लड़ाई है नहीं, हमें तो उनकी लड़कियों से प्यार है। अभी आपने जैसे उसमें देखा कि कुछ लोग बात कर रहे थे मुसलमानों की लड़कियों पे टारगेट करने के लिए, एक आई ओपनिंग रिमाइंडर है उन लोगों के लिए जो अपने घर पे अपने बच्चों का ख्याल नहीं रखते हैं, उन्हें दीन की तालीम नहीं देते हैं, उन्हें समझाते नहीं है कि हमारा दीन क्या है, हमारा इस्लाम क्या है, हमारा इस्लाम क्या सिखाता है। आप एक बात बताओ, कोई भी इंसान गलती क्यों करता है? वो इसलिए करता है बिकॉज उसको नॉलेज नहीं है, उसको इल्म नहीं है। अगर उसको इल्म होगा क्या वो गलती करेगा? नहीं करेगा। तो यहाँ पे प्रॉब्लम किसकी है? पेरेंट्स की, बिकॉज पेरेंट्स अपने बच्चों को इल्म की तालीम ही नहीं देते हैं। वो दुनियावी ज़िंदगी की तालीम तो दे देंगे, बच्चे आपको इंग्लिश सीखनी है, आपको कंप्यूटर आना चाहिए, को स्कूल में अच्छे मार्क्स से पास होना है, बहुत ज़रूरी है आपके लिए, आपको स्पोर्ट्स भी खेलना है, कराटे क्रिकेट कबड्डी सब खेलना है आपको। दुनियावी तालीमात में इतना फोकस करते हैं बट दीनी तालीमात पे भाई ओए होए होए होए। मैंने तो ऐसे ऐसे बंदे देखे हैं, वो अगर कोई इंसान मदरसे से पढ़ा हुआ है और कोई इंसान प्राइवेट स्कूल बड़े बहुत बड़े तगड़े स्कूल से पढ़ा है, भाई उसमें क्लास निकालेंगे, यार ये तो मदरसे का बच्चा है और ये प्राइवेट स्कूल से है भाई, आय हाय हाय शान है भाई, ठाट है उसके ठाट। अबे वो मदरसे से पढ़ के उसने दीनी तालीम हासिल करी है भाई, दीनी तालीम, उसको कुरान आता है, उसको अल्लाह ताला के बारे में कितनी नॉलेज होगी आपके बच्चे के मुकाबले में। अभी आप मेरी एक बात बताओ, तालीम आपने दे दी, ठीक है, आपका बच्चा इंजीनियर बन गया, डॉक्टर बन गया, कैरेक्टर लेस हो गया, पर वो आगे जाके एक की जगह 10-10 लड़कियों के साथ ताल्लुक रखता है बिना शादी किए, क्या वो अल्लाह के हुजूर पास है? फिर इतनी दुनियावी तालीम लेने के बाद फिर उसके बाद वो अच्छा खासा पैसा भी कमा रहा है बट वो ऐसा कैरेक्टरलेस है, क्या वो ये सही चीज है? अभी उसको अगर दुनियावी तालीम के साथ दीनी तालीम होती, उसको अगर दिल में खौफ होता कि यार मुझे किसी का भी दिल नहीं तोड़ना है, ना किसी लड़की का ना किसी लड़के का, मुझे कोई गलत काम नहीं करना है, मुझे गलत चक्करों में नहीं पड़ना है, मुझे नॉन महरम से दूर रहना है, मुझे आंखों की नजरों की हिफाजत करनी है, अगर बाई चांस किसी से मोहब्बत हो जाए तो उसके घर रिश्ता भेज के उससे निकाह करना है। मतलब लड़के या लड़की की थिंकिंग सिर्फ निकाह की होनी चाहिए, दैट्स ऑल। अभी सपोज करो कि आपके बच्चे ने गलती करी और आपने उसको रंगे हाथ पकड़ लिया, चाहे वो लड़का या लड़की है, और वो नॉन मुस्लिम के साथ रिलेशनशिप में है और आपकी नज़रों में आ गया वो इंसान। अभी ज़्यादातर पेरेंट्स क्या करेंगे, यहाँ पे बच्चों को मारना स्टार्ट करेंगे, उन्हें मारेंगे, उन्हें गालियाँ देंगे, उन्हें जलील करेंगे और गुस्सा निकालेंगे अपना। हालाँकि ये चीज़ उनके साथ होनी चाहिए, पता है, क्योंकि यहाँ पर गलती पता है किसकी थी? उनकी थी, पेरेंट्स की, क्योंकि उन्होंने उसको कुछ सिखाया नहीं बच्चे को, ना ही उन्होंने कुछ बताया उसको, ना ही समझाया। क्योंकि आजकल के पेरेंट्स पता क्या करते हैं, आजकल के पेरेंट्स उनको बताते हैं, उनको समझाते नहीं हैं, उनको बोलते हैं, उनको ये नहीं बताते कि ये क्यों करना है, ये क्यों ज़रूरी है। अरे भाई ये चीज़ समझो कि आपको अपने बच्चों को ये समझाना है कि ये करने का क्यों ज़रूरी है और ये करने से फ़ायदा क्या है और नुकसान क्या है। आपको उन्हें इल्म देना है कि अगर वो ऐसा काम करेंगे तो क्या होगा इसका अंजाम। आपको एक चीज़ बताऊँ, इतने सारे बच्चों को ना, लाइक 15-15 20-20 साल के बच्चों को
ये तक उनको इल्म नहीं होता कि नॉन मुस्लिम से आप निकाह नहीं कर सकते हो, पता है भाई? लोग पूछते हैं क्वेश्चन, क्या मैं नॉन मुस्लिम के साथ निकाह कर सकती हूँ, कर सकता हूँ, मेरे को मोहब्बत हो गई है। अरे भाई कायरे, तुम कहाँ से आए ले? अभी सपोज एक बच्चा या बच्ची, लाइक एक लड़की की बात लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं हम, ठीक है? लड़की स्कूल में पढ़ रही है या कॉलेज में पढ़ रही है, ऑब्वियस ही बात है कि वहाँ पे लड़के भी होंगे, लड़कियाँ भी होंगी, ऑफ कोर्स, राइट? एंड वहाँ पे ग्रुप स्टडीज होगी, और जो ये लिबरल पेरेंट्स हैं, प्यारे प्यारे बच्चे उनको जाके बोलते हैं आज ग्रुप स्टडीज करनी है सो हम यहाँ जा रहे हैं, तो वो चले जाते हैं वहाँ पे, और वहाँ पे जाके ग्रुप स्टडीज की जगह अलग ही सीन चल रहे होते हैं, और फिर उसके बाद जो टीचिंग कोचिंग क्लासेस होती हैं वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे भी अलग सीन चल रहे होते हैं। और भाई स्कूल, स्कूल तो भाई लव बर्ड्स का एकदम फेवरेट डेस्टिनेशन हो गया है। वहाँ पे तो बच्चे फिफ्थ स्टैंडर्ड से बच्चे अलग ही सीन कर रहे होते हैं भाई, फिफ्थ स्टैंडर्ड के छोटे से छोटे छोटे बच्चे। और कभी कभी बच्चे स्कूल से लेट हो जाते हैं तो पेरेंट्स को बच्चे बहाना बना देते हैं, और वो सुन लेते हैं, समझ जाते हैं और हाँ बोल देते हैं, और उनका बच्चा ऐसे ही बहाने बना बना के आपको बना देता है। एक दिन क्या करना है आपको, ऐसे ही रहना है, थोड़ा सा ध्यान दे दो अपने बच्चों पर, थोड़ा सा। ना ही उनको मारने से कुछ होगा, ना ही उनको गाली देने से कुछ होगा, ना ही उनको उन पर सख्ती करने से कुछ होगा। आपको एक ही चीज़ करनी पड़ेगी, उनके दिल में, उनके दिल में आपको ईमान डालना पड़ेगा, दैट्स ऑल। अभी वो आपका लुकआउट है कि आपको कैसे करना है, वो उनको रियलाइजेशन कैसे करवाना है, उनको अल्लाह का खौफ कैसे दिलाना है, उनको आखिरत का खौफ कैसे दिलाना है, तब वो सही होंगे, ऐसे सही नहीं होंगे भाई। तो ना आजकल के जो लोग हैं, चाहे वो पेरेंट्स हों, लड़के हों, लड़कियाँ हों, जो मुसलमान हैं उनकी बात कर रहा हूँ, प्रॉब्लम से इतना घबराते हैं, इतना ज़्यादा घबराते हैं कि मतलब डिप्रेशन में चले जाते हैं। वाह, मुश्किलाहट है तो क्या हुआ, बहादुर बनो यार। तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हो, तुम उसके उम्मती हो जिनको पत्थर मारे गए, खूनों खून कर दिया गया, तुम उनके उम्मती हो। ये सब होने के बावजूद भी उन्होंने सामने वाले को दुआ दी, तुम उनके उम्मती हो। यार जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने टाइम पे इतनी प्रॉब्लम्स फेस की हैं, तुम कौन से खेत की मूली हो यार? हम कौन हैं? हम कौन हैं? हम, मैं कौन हूँ, आप कौन हो, कोई भी कौन है, कौन है हम? वी आर नथिंग इन फ्रंट ऑफ दैट पर्सन। मतलब हमारी कोई वजूद ही नहीं है हमारा, हम कौन है भाई? थोड़ा सा तो इस चीज़ का ख्याल रखो, थोड़ा सा तो इस चीज़ की शर्म करो के रोज़े कयामत जब अल्लाह के हजूर हम सब पेश होंगे, चाहे वो कोई पेरेंट्स है, कोई लड़की है, लड़का है, जो भी मेरी बातें सुन रहे हैं, अगर आप हराम रिलेशनशिप में हैं, या फिर आप अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं करते हो, या फिर पेरेंट्स अपने बच्चों को सही से ट्रीट नहीं करते हैं, और या फिर कोई लोगों के दिल दुखाता है, मुझे एक चीज़ बताओ कि रोज़े कयामत जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हम खड़े होंगे, और जब वो बोल रहे होंगे या उम्मती, और हम उनके सामने पेश होंगे, तो हम अपनी शक्ल उनको कैसे दिखाएंगे? आप इस चीज़ के बारे में कभी सोचते हो, आखिरत के बारे में, कि हम कैसे दिखाएंगे अपनी शक्ल? यार हम हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती, जिनके लिए उन्होंने रो रो के दुआएं की हैं, रो रो के दुआएं की हैं। मतलब अल्लाह के सामने क्या हमारे नबी, हमारे प्यारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप जलील करोगे यार, सीरियसली? कि ऐसी उम्मत है इनकी, ऐसे लोग हैं जो लोग मतलब अल्लाह के अहकामात को ही नहीं मानते हैं, अल्लाह का खौफ नहीं रखते हैं। मतलब कितनी बड़ी बात है ये, सोचो आप। जो लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं, जो लोग अपने मज़हब को सही तरीके से फॉलो तक नहीं करते हैं, बहुत मजाक बना के रखा है यार, बहुत मजाक बना के रखा है, सीरियसली यार। मैं आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, इट्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम माय हार्ट, दैट अपने दीन को समझने की कोशिश करो, अपना ईमान मजबूत करो। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है, मैं खुद परफेक्ट नहीं हूँ, कोई भी हो नहीं सकता, बिकॉज परफेक्शन इज ओनली फॉर अल्लाह। मैं भी बहुत गलतियां कर सकता हूँ या करता हूँ,
बट हमें हमारी गलती का रियलाइजेशन होना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम गलती कर रहे हैं, सो दैट हम उसको सुधार सकें। और अगर आप इस गुमान में हो मैं तो कोई गलती नहीं करता, मैं तो सब सही कर रहा हूँ, तो आप गलत पे हो, आप गलती पे हो। आपको इस चीज़ के बारे में सोचना ज़रूर पड़ेगा, आपको सही रास्ते पे आना पड़ेगा। मेरे भाइयों और बहनों, इस चीज़ को समझो और सही रास्ते पे हो। इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज़। अभी चाहे वो भगवा ट्रैप हो, लव ट्रैप हो, जे लव जिहाद, आई डोंट नो, बिकॉज मेरे लिए मैं ये मानता हूँ कि कोई भी भगवा लव ट्रैप या लव जिहाद या जो भी है, किसी भी लड़के या लड़की को फंसा नहीं सकता है, किसी को ज़बरदस्ती नहीं कर रहा है। मैंने नहीं सुना है, मैंने ये देखा है कि लड़की खुद के मन से उसको जप्फी डाल के खड़ी है, लड़की खुद के मन से उसके साथ है, या लड़का उसके साथ है लड़की के, वो खुद के मन से है, समझ आ रही है? तो ईमान कितना कमज़ोर होगा उनका, सोचो आप। तो यहाँ पे आपको क्या लगता है, नॉन मुस्लिम की गलती है? नो, मैं तो मानता हूँ हमारे मुसलमान भाइयों और बहनों की गलती है, क्योंकि अगर उनका ईमान मजबूत होता चाहे सामने वाला कितना भी प्यारा हो, फ़र्क नहीं पड़ता यार। अल्लाह ताला ने कुरान में जब फरमा दिया कि लड़कियों के लिए एक नौकर मुस्लिम बेहतर है, एक मुलाजिम, जब अल्लाह ताला ने फरमा दिया तुम्हें एक गरीब मुसलमान से निकाह कर लेना बट एक अमीर नॉन मुस्लिम से निकाह मत करना। मैं ये कुरान की आयत थोड़ा गलत कोट कर रहा हूँ तो ज़रूर मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, आई एम वेरी सॉरी। हर लिहाज में आपके लिए मुसलमान ही बेहतर है, इस चीज़ को ध्यान में रखें। द रीज़न बिकॉज एक मुसलमान अल्लाह को मानता है। आई नो कि वो अगर वो दीनदार है तो ही आपके लिए बेहतर है, ऑब्वियसली। अगर वो अमलन मुसलमान है तो अमलन काफिर है, मतलब नमाज नहीं पढ़ता, सिर्फ और सिर्फ कलमा गो है, तो ऑब्वियसली। जिस दिन लड़कियां ये समझ गई ना कि हमें शादी करनी है नमाजी से, सारे लड़के नमाजी हो जाएंगे, क्योंकि क्राइटेरिया रखो यार। ये तो मैं तो बोलता हूँ, क्राइटेरिया रखो लड़कों की तरफ से भी, लड़कियों की तरफ से भी। भाई शादी तब होगी जब ये नमाजी होगा, नमाजी है तो मतलब मुसलमान है, मुसलमान है तो शादी होगी, नहीं तो नहीं होगी, नहीं करेंगे शादी बेनमाजी से, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आई नो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, मेरे हाथ भी दर्द करने लग गया, बट मुझे ये खुल के बात करनी थी, मेरा दिल खोल के। आई रियली विश के लोगों को थोड़ा सा समझ आए इस चीज़ के बारे में। अगर आप सबको मेरी कोई भी बात बुरी लगी हो तो मैं आप सबसे माजरत चाहता हूँ। मेरा इंटेंशन सिर्फ इतना है कि सब लोग अच्छे से रहें और अपने दीन को अच्छे से रिप्रेजेंट करें, बिकॉज हमारे इस्लाम की जो मौजूदा इमेज है वो हमारे मुसलमान भाई बहन ही ख़राब कर रहे हैं। बिकॉज़ अगर वो सही से रहेंगे और अगर अच्छे से वो रिप्रेजेंट करेंगे हमारे दीन इस्लाम को, तो इंशाल्लाह हमारे जो इस्लाम की इमेज है बहुत बेहतर होगी। तो प्लीज़ इस पे वर्क करें जी। सो अभी हम खाने वाले हैं राजमा चावल, जो मेरे फेवरेट है। ये है चावल, राजमा कहाँ है अम्मा, और ये है दही कर्ड, और ये है बूंदी, विच इज़ बूंदी। आपको किचन भी दिखाते हैं, पूरी चकाचक कर दी है भाई किचन, ये देखिए एकदम ज़बरदस्त, पूरा पत्थर विथर लगाया इधर हमने, पत्थर, ये देखिए पत्थर, पत्थर दिख रहा है आपको, पत्थर लगाया इधर, स्टिकर वाला पत्थर है ये। ओ भाई साहब, ये देखो इन्होंने मंगवाया अभी। ओ सॉरी, अरे क्या सॉरी, अच्छा चिपकने वाला है ये, ओके आई लव, पता नहीं क्या क्या है ये। और ये भी है भाई, ये देखिए राजमा दिखाओ यार, ओए होए 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 होए, ये राजमा मेरे फेवरेट है भाई, बचपन से मम्मा ने जब मैं पैदा होने वाला था, मम्मा बोले मैं राजमा खाती, राजमा चावल खाते थे मम्मा, अच्छा इसलिए मेरे को राजमा चावल पसंद है। लाल। अब दिखाता हूँ भाई साहब, ये देखो, ओए होए होए होए, अलग लेवल भाई, अलग लेवल। अब तुम्हारा भाई खाएगा चावल के साथ, ओए होए होए, यार देखो भाई अलग लेवल, स्वाद आने वाला है। नींबू डाल के खीरा, मिलते हैं थोड़ी देर में। A few moments later. ओए भाई, ओए भाई, ओए भाई। So, हरमन ये पी रहा था, मैं इसकी वीडियो बनाने लगा, भाग गया। क्या यार हरमन डरता रहता, इस वॉशरूम में घुस गया। तो आज के वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, राजमा चावल खाए, आपको हमने थोड़ा सा ज्ञान दिया,
एंड आई होप आप सब लोग इस चीज़ को ज़रूर समझेंगे और आप इस चीज़ पे अमल ज़रूर करेंगे। अपने बच्चों का ख्याल रखें, आपका खुद का भी ख्याल रखें, नमाज़ों की पाबंदी करें और अच्छे काम करते रहें, लोगों की हेल्प करते रहें। एंड दैट्स इट गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।